यार ये फिल्म इतनी अच्छी है, अगर बॉम्बे से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे, अगर कोई बड़ा यहाँ से आर्टिस्ट बड़ा सेलिब्रिटी आके हमारी फिल्म को सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट या जो लोग हमें नहीं भी जानते वो भी हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। आमिर भाई इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी, है ना, बहुत प्यार है। तो कल बहुत सब लोग ना वेल बिहेव थे स्टेज पे, कोई मस्ती मजाक नहीं कर, सब डरे हुए थे, है ना, लेकिन इन लोगों को चुप कराना पड़ता है। ये लोग रियल लाइफ में भी इतने फनी हैं कि मेरा सारा मेकअप ही निकल जाता है हंस हंस के शॉट से पहले, और मैंने इतना एंजॉय किया है शूटिंग के दौरान। मैं हमारे दो दिन में जितने चुप दिखे हैं ना हमने कभी नहीं देखे सीरियसली, और मेरे लिए इट वाज लाइक अ फन ट्रिप, मुझे लगा नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो स्वागत है। 2012 से कहीं ना कहीं कैरी ऑन जट्टा ने लोगों को इतना ज़्यादा उत्सुक कर दिया है कि अब पार्ट 3 का भी लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ट्रेलर देखते ही 2.8 मिलियन हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू जी। हाउ कम आप दोनों की प्लानिंग थी पार्ट 3 के लिए, क्या कुछ यूनिकनेस आपने सोचा था? यूनिकनेस तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि हर फिल्म जब बनती है तो जब कहानी आती है तो रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो क्योंकि बड़ी फिल्म है, पूरी टीम का, मेरे डायरेक्टर का और राइटर का सिर्फ एक ही विज़न था कि फिल्म अच्छी बने, क्योंकि ये फिल्म का एक मेन टारगेट क्या है कि लोग जाएं खूब हंसें। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हंसने चाहिए, क्योंकि ये फिल्म ही वैसी है। पहली फिल्म में मुझे आज भी याद है कि जब लोग फिल्म देख रहे थे तो क्लाइमैक्स तक आते आते कुर्सियों से गिर गए थे, सेम सेकंड में हुआ है ना, मतलब हंस हंस पागल हो गए। तो अगर थर्ड में वैसा नहीं होगा तो लोगों को लगेगा कि फ़िल्म अच्छी नहीं है। सो मेन टारगेट वो था। उससे बाद में आता है कि यार फिल्म विजुअली बड़ी दिखनी चाहिए, माउंट बड़ी होनी चाहिए, सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे लगें पहले वाली से, हमारे कपड़े अच्छे हों, हमारा विजुअल अच्छा हो, वो चीज़ें सब की हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले भी आपने कई सारी फिल्म की है और दीप्ति के साथ ही की है जहाँ तक हमने अब तक पढ़ा है, और भी बहुत सारी। हाँ, मेरा डेब्यू जो था वो दीप्ति के साथ ही था जी। इस बार क्या कुछ अलग आपने करने की कोशिश की है, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं मूवीज की, दिस इज स्पेशली इन अ पंजाबी मूवी राइट, जहाँ तक अब तक हमने सुना है कि पंजाबी नहीं होगी, लेकिन रीजनल अगर हम बात करें, हिंदी, मोस्ट ऑफ हिंदी को हर कोई इंडियंस चाहता ही है, तो क्या कुछ आपने सोचा है कि अगर डिमांड्स और भी आते हैं, क्योंकि हाल ही में आपकी और एक मूवी अभी रिलीज़ हुई, हमने आपके ट्विटर्स एंड ऑल पे भी देखा है कि लोग बहुत अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द हिंदी ऑडियंस? हिंदी में जब कुछ होगा तो हम करेंगे, बाकी देखिए इसको देखेगी। हाँ, लगता है हम भी तो हिंदी फिल्में देखते हैं, हम हिंदी और कोविड के बाद ना आप यकीन मानिए मुझे इतने लोग, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में रहती हूँ, मुझे इतने लोग मिले हैं जो कि ऐसा नहीं कि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, पर उन्होंने इतनी फिल्में देखी और मुझे बताया जो आज से अगर मैं बोलूँ 4 या 5 साल पहले तक नहीं, मुझे कभी भी ऐसे मुंबई में इतने लोग नहीं मिलते थे जो ये बोले कि हमने आपकी फिल्म देखी, समझ तो नहीं आती पूरी तरह से बट सबटाइटल के साथ देखी। तो ये धीरे धीरे जो बैरियर है ना लैंग्वेज का, ये चेंज हो रहा है, और पर्सनली मेरा यही इंटेंशन है कि ना जहाँ पे देखिए गॉड ने कुछ सोच के ही हैज़ प्लेस्ड अस इन पंजाबी इंडस्ट्री, यू नो वी आर रिप्रेजेंटिंग पंजाबी सिनेमा, वी आर वर्किंग देयर, बस यहाँ अच्छा काम करना है। और अच्छी फिल्म होती है ना तो जो ट्रू सिनेमा लवर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें, हम कोरियन भी देखते हैं, हम मराठी फिल्म्स भी देखते हैं, बंगाली भी देखी है, मलयालम भी देखी है, फ्रेंच भी देखी है, तो सिनेमा अगर आपको आर्ट से प्यार है तो आप देखते हैं। और वो लोग जो अच्छी फिल्में देखना पसंद करते हैं ना, और अब तो पंजाबी गानों की वजह से सबको पंजाबी आ गई है। हाँ, तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही एलियन लैंग्वेज है, तो देखेंगे लोग, और कोशिश बस यही करते रहेंगे कि ऐसी अच्छी फिल्में बनाएं कि और लैंग्वेजेस के लोग भी देखें। पंजाबी गाने की जहाँ बात हो रही है, कल हमने देखा ट्रेलर लॉन्च पे, कहीं ना कहीं वो जो पंजाब के भांगड़ा के जो बीट्स थे, कहीं ना कहीं आमिर खान को भी उन्होंने उनके पैर में सुलाने को। जी 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 जी, क्या कुछ आपने सोचा था आमिर खान को आना ट्रेलर लॉन्च पे, एंड एज वेल एज स्पेशली विद दी, इफ वी सी दी ऑडियंस व्हेन दी बॉलीवुड पर्सन कम्स, समथिंग और दी अदर पीपल गेट मोर एंड मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमने सोचा कि हमने जब हमने फिल्म स्टार्ट की, जब हम शूटिंग पे भी थे लंदन, तो हम डेली ऑलमोस्ट एवरी डे हम सब लोग ये बात करते थे कि फ़िल्म को कैसे रिलीज़ करेंगे, इसको बड़ा करना है, इसको ये करना है, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे
फिल्म का काफ़ी हाव भाव ना वहीं पे पता चल जाता है कि फिल्म कैसी बन रही है, कैसी चीज़ें हो रही हैं। हमें लग रहा था कि फ़िल्म बहुत अच्छी बन रही है, हम इतना हंसते थे। और जेन्युइनली मैंने फ़िल्म देखी, जितनी फ़िल्म मैंने देखी हम इतने हंसे, तो मुझे लगा कि यार ये फ़िल्म इतनी अच्छी है। अगर बॉम्बे से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर आएँगे, अगर कोई बड़ा यहाँ से आर्टिस्ट, बड़ा सेलिब्रिटी आके हमारी फ़िल्म को सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली जो जर्नलिस्ट या जो लोग हमें नहीं भी जानते वो भी हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। आमिर भाई इज़ लाइक बिग ब्रदर टू मी, है ना, बहुत प्यार है उनके साथ बहुत। तो मैंने उनको बोला कि ट्रेलर रिलीज़ करना है, तो ही सेड कब करना है, मैं कहा ये है, तो कहता कि डन। तो हमने कोई प्लान, हमने कोई ऐसा नहीं किया था कि स्पेशली, और उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस एड के, बिल्कुल मैं, मुझे ट्रेलर भी भेजो मैं देखता हूँ। उन्होंने ट्रेलर देखा भी और कम से कम उन्होंने मुझे 50 बार ये बात बोली कि मुझे नहीं पता था कि ट्रेलर इतना अच्छा होगा। वो कहता है विजुअली इतना अच्छा लग रहा है, और वो हमारा एक मेरा और सोनम का गाना है फरिश्ते, इस एड के मैंने पता नहीं कितनी बार देखा है वो गाना। तो मैंने उसको बताया कि हमने ऐसे शूट किया, तो उनको बहुत लगा कि यार इतने कम टाइम में आप लोगों ने शूट किया और इतना अच्छा विजुअल, क्योंकि हमारे पास उतने बजट्स नहीं होते जैसे वो शूट करते हैं।